एक बंदे ने मैसेज किया कि मेरे 20 दिन कंप्लीट हो गए थे कल, आज 21वां दिन, और मैं 20 दिन तक रोकते हुए आ रहा था, अपने काम वासना को दबाते हुए आ रहा था, और आज हद हो गई है। मैंने बाहर एक लड़की को देखा है जिसमें मैं बता नहीं पा रहा, बट वो कह रहा था कि मैंने उसके पर्सनल पार्ट पर देखा है, और अभी मेरी काम वासना इतनी हाई हो गई है कि मैं नहीं रोक पा रहा। नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करूँगा, इस बार के लिए मुझे माफ़ कर दो। ये कहते हुए वो चला गया, लीव करके चला गया। इतना समझाते हुए आ रहा था मैं ग्रुप में पहले से, कितनों को रुकवाया। ये बंदा मुझे खुद कह रहा था पहले कि मैंने 1 हफ्ते से ज़्यादा रोका नहीं है, अब इसने 20 दिन रोक लिया था इसके नोफैप के मुताबिक, जब मैंने ग्रुप बनाया था समझाने के बाद। डेली पूछता था हर किसी से, भाई कैसी फीलिंग है, क्या कर रहे हो तुम लोग। हर कोई बोलता था मेरे इतने दिन हो गए, ये हो गए, वो हो गए, कोई रोक पा रहा है, कोई रोक नहीं पा रहा, दबा रहा है, उसको मोटिवेट करता था मैं हर बार। इस बंदे ने ये बोला कि बाहर मैंने एक लड़की देखी है, बाहर खुलेआम, इसने पॉर्न नहीं देखा, इसने कहा कि मैंने पॉर्न नहीं देखा, मैंने सिर्फ बाहर एक लड़की देखी जो मैंने उसके पर्सनल पार्ट पर देखा और मेरा मन कर गया, मेरे थॉट्स वही चल रहे। अब आप सोचो ये बंदा बाहर लड़की को देख के इसका मन कर गया, ये किस स्टेज पर पहुँच चुका है। ये पॉर्न भी नहीं देखा इसने और बाहर लड़की को देख के इसका तो ख़त्म, ये तो भाई ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है अपनी। इसको फिर मैंने पर्सनली मैसेज किए, मैसेज कर करके इसको मैंने मतलब इतना समझाते समझाते मैंने कहा भाई तेरे को कॉल करूँगा मैं, तू टेंशन मत ले, बट तू रिलैक्स नहीं करेगा। वो कह रहा है मेरी काम वासना भाई बहुत ऊपर चल जा चुकी है, मैं अभी रिलैक्स करने ही जा रहा था, मेरा मन कर रहा है। मैंने कहा नहीं करेगा तू। फिर मैंने उसको कॉल किया, उसने कहा ठीक है कॉल कर लो मुझे, मैंने कॉल किया, वो बंदा भाई बकायदा रो गया। वो बंदा कह रहा कि मुझे यार माफ़ कर दो, मैं कर ही नहीं पा रहा, मैं रोकना चाहता हूँ बट मैं रोक नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ। मैंने कहा रो मत, रोने से इस चीज़ को ना बढ़ावा मिल जाएगा, तेरे जो अंदर काम वासना है ना इसको बढ़ावा मिल जाएगा, इसको समझ कि ये शैतान है अंदर बैठा हुआ, ये चाहता है कि तुम लोग कमज़ोर हो जाओ, कमज़ोर होते ही ये हावी हो जाएगा तुम पे, जैसे कमज़ोरों पे हर कोई हावी हो सकता है, या आप लोग भी मानते हो जो कमज़ोर होता है बंदा उस पे हर कोई हावी हो सकता है। तो अगर तू कमज़ोर हो गया ना तो ये तुझ पे हावी हो जाएगा, फिर तू रिलैप्स कर देगा, और रिलैप्स करते ही तेरे अंदर जो रिग्रेट है, तेरे अंदर जो पछतावे की जो भावना है वो भी अंदर आ जाएगी तेरे इस शैतान के साथ, वो मिल जाएगी, फिर दोनों मिल के तुझे परेशान करेंगे, फिर तू वो सहन नहीं कर पाएगा, फिर तू गुस्से में आ जाएगा, ये वो बोलेगा, लड़ेगा हर किसी से, रोएगा, इससे क्या मिलेगा तुझे, दुख, परेशानी, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बट तुझे क्या मिल रहा है, दुख परेशानी, तेरा माइंड में मेंटलिटी प्रॉब्लम हो रही है, इससे मेंटलिटी प्रॉब्लम होती है, जिसको ना पता हो भाई समझ जाए। मैं पहले से कहते आ रहा था कि भाई रिग्रेट नहीं करना और बस इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, ठीक है, अब आगे तुझे क्या करना है। ये मैंने उसको ठीक से समझाया कि देख मैं तो करता हूँ जॉब, मैंने उसको बताया मैं जॉब करता हूँ, तो मैं निकल जाता हूँ पूरे दिन के लिए, रात को आता हूँ बस, और 1 महीना मैं घर पे था, घर पे रह के मैंने कैसे रोका अपने आप को, कैसे मैंने कंट्रोल किया है, ये तुम मुझसे पूछ, जितनी मेरी वीडियो सब देख तू, समझ जाएगा मैंने कैसे रोका है, कितनी मुश्किल होती है, बट अगर एक बार रोक लेगा ना उसके बाद सारे दरवाजे खुल जाएंगे तेरे, जो तू चाहता है ज़िंदगी के सारे सक्सेस, पैसा हो, पढ़ाई हो, हर चीज़ के दरवाजे खुल जाएंगे तेरे लिए, उसका तू तेरी जो मर्जी तू कर जाके बाहर, बस इस चीज़ को मत करियो, ये करते तो फिर वापस गिर जाएगा वहीं पे। उसको इतना समझाते समझाते आखिरकार वो थोड़ा बहुत समझ गया। अब वो वहाँ क्या कर रहा है ये तो मुझे पता नहीं है घर पे, वो रिलैक्स कर रहा है नहीं कर रहा है, बट उसको जिस तरीके से मैंने समझाया ना, उसने थैंक यू बोलते बोलते थका नहीं, वो कह रही कि अब मेरी थोड़ी फीलिंग अच्छी हो रही है, थोड़ा मेरे अंदर 50% मोटिवेशन जाग गया है। तो गाइस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि यार प्लीज़ रिलैप्स ना करें, नोफैप ना तोड़े, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका भाई रिक्वेस्ट कर रहा है यार, हाथ जोड़ के थोड़ा सा सबर कर ले, नोफैप का पालन करें, सबर का फल मीठा होता है ये याद रखो यार, जो सबर कर रहे हो आप, जिस चीज़ को रोकोगे आप, उस सबर का फल बहुत अच्छा मिलेगा आगे जाके आपको, प्लीज़ बिलीव करो भाई मुझ में, मैं वहीं से निकला हूँ यार, अभी भी चल रहा हूँ उसी लाइन में, मैं 1 महीना पूरा निकल चुका हूँ, देख रहे हो आप, 2रा महीना स्टार्ट हुआ है मेरा, उसमें भी 12 दिन कंप्लीट होगा मेरे, 11 दिन 12 दिन जो भी है, तो प्लीज़ भाई
प्लीज़ रिलैक्स ना करे, समझे बात को। बहुत आसान है करना यार, बस हम कर नहीं पा रहे ना, हर बार बोलता हूँ, बस कर नहीं पा रहे। कर लोगे आप लोग, नो फैप, आसान है बहुत। तो बस ध्यान रखे अपना, फोकस करके इस चीज़ पे बिजी रहे, और बस रोक ले, रिलैक्स करने से अपने आप को रोक ले। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।